हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट uh, कार्बोनिल का रिएक्शन जो कि डाई कंपाउंड का रिएक्शन है दैट इज़ नोन एज बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट तो ये है क्या चीज़ वो आपके सामने मैं रखता हूँ uh, मान लीजिए आपके पास मॉलिक्यूल लिया है जो कि दोनों साइड फिनाइल डेरेवेटिव है एंड डाई कीटो ग्रुप ये प्रजेंट है सो वॉट विल यू एक्सपेक्ट सपोज़ आपके पास अगर यहाँ ओ एच माइनस आ गया तो आप सारे रिएक्शन के बारे में देखते हैं क्या कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन है नहीं है तो एल्डोल का चांसेस नहीं है और ये एल्डिहाइड भी नहीं है कि हाइड्राइड एंड ट्रांसफर हो सके तो अगर आप इसके मेकेज़म के बारे में सोचेंगे तो लेट अस सी हाउ हाउ वी नीड टू तो अप्रोच इट लेट्स लुक इनटू इट सो so, मेकेानिज़म के बारे में देखते हैं आपके पास ये सी डबल बॉन्डो हो सी डबल बॉन्डो फिनाइल ग्रुप है राइट right? इसको अगर मैं एंगल के हिसाब से ड्रा करूं तो आपको मालूम है sp2 पे 120 डिग्री एंगल होता है हर एक कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उस वजह से ये यह मुझे यहाँ पे थोड़ा बेंड करके दिखाना चाहिए सो आई विल बी ड्राइंग लाइक दिस राइट एंड सपोज एट एनी वन ऑफ इट्स पोजिशन एनी वन ऑफ इट सपोज करो आप ओ एच माइनस का अटैक हो रहा है तो कोई ये कार्बोनिल कार्बोन कर लेते हैं कंसीडर ऑन दिस वन, इट इज अटैकिंग, अटैक किया तो ये क्या बन जाएगा ओ माइनस राइट उसके बाद सेम चीज में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फिर से बनाना पड़ेगा सी डबल बॉन्ड ओ फिर सी यहाँ पे क्या बन गया टेट्राइडल स्पीसीज ओ एच एंड यहाँ आपके पास फिनाइल ग्रुप है अब आप सोचो जैसे कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता था वेन इट वॉज रिटर्निंग बैक सो हाइड्राइड एंड वॉज ट्रांसफरिंग अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द पार्शल पॉजिटिव ऑफ द कार्बनल ग्रुप तो यहां पर भी आप देखो पार्शल पॉजिटिव है तो ये ओ माइनस यहाँ से वापस आएगा और मैक्सिमम चांसेस है कि ये निकले हर बार लेकिन फ्यू केसेस में ये चांस है कि ये माइग्रेट कर सकता है अपने पोजीशन से और इस कार्बन पे जाके अटैक कर दे जैसे ही अटैक करेगा ये तुरंत कन्वर्जन हो जाएगा इसका कौन से साइड में ऑब्वियसली इट विल बी वेरी वेरी स्लो राइट तो कन्वर्ट हो गया ये पूरी तरीके से एक ही ऑन सिंगल सेंटर ओ माइनस वी गॉट अनदर फिनाइल आल्सो अटैच्ड विथ इट और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच अब आप देखो एक ही ग्रुप में बेसिक भी सेंटर है हमारे पास ये बेसिक है और ये एसिडिक हाइड्रोजन भी है हमारे पास तो क्या करेंगे एसिडिक एच भी है हमारे पास फिर क्या करना है सिंपली प्रोटॉन ट्रांसफ़र करो ऑटो ऑटो ट्रांसफर सो यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर सो आप एच प्लस ट्रांसफ़र कर दो एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करके दूसरा तो एक ही बेंजीन एक ही कार्बन पे, दो बेंजीन और उसके साथ सी ओ ओ माइनस और यही जो आपके साथ बन के आया है अगर आप इसमें एच प्लस ऐड कर दिए तो ये ये जो चीज़ बन के आएगी ये बेंजिलिक एसिड इसलिए इसको बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं सॉल्यूशन से ये प्रोटॉन ले सकता है प्रोवाइडेड इफ इट इज़ देयर तो ये प्रोडक्ट आया तो क्या लग रहा है आपको कि ये

इसी इसी को अगर एक्सटेंड करना हो अगर आपको सोचना हो कुछ और प्रॉब्लम्स इस पे अगर हमें डिज़ाइन करने हो तो वो भी किए जा सकते हैं जैसे डाईकीटो के फॉर्म में फिनाइल के अलावा मान लो अगर आपने साइक्लिक ले लिया राइट जैसे मान लो आपने एक साइक्लिक कंपाउंड ले लिया ये डाईकीटो होगा अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि आपने ओ एच माइनस ले लिया तो इसी के जैसा एक्सटेंशन है वो हालाँकि इस रिएक्शन का नाम सेम नेम में नहीं रखेंगे हम लोग लेकिन ये भी एक्सटेंशन है आप इसको अपने से ट्राई करो रिएक्ट वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके आप इसको खुद से ट्राई करो राइट तो यहाँ पे मैं आपको एक डबल बॉन्ड ओ डाल करके फिर स्टार्ट करता हूँ तो करते हैं सी वट वी आर गोइंग टू गेट सो दिस इज अ फाइव मेंबल बॉन्डो एंड डबल बॉन्डो अब सोचो ओ एच माइनस विकम टाइड वेरी लेस फॉरवर्ड मोस्टली इन द बैकवर्ड अब यहां पर डबल बॉन्डो है यहां पर ओ माइनस और यहाँ पे ओ एच सो ओबियसली ये ओ माइनस विल कम बैक एंड ये निकल करके मोस्टली यही फॉर्म रिटेन होगा बट थोड़ा चांस ये है कि अगर आप इसको अटैक करके ये सेंटर ये पार्शियल पॉजिटिव सेंटर भी इसको अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ तो आप यहाँ से इसको डोनेट करो और इसको उठा के यहाँ कर दो आप देखो हालांकि ये एक स्ट्रेन रिंग बन रहा है अगर आप काउंटिंग करो तो आपको दिखाई देगा कि दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर सो इट इज गोइंग टू फॉर्म फोर मेंबर रिंग मेम्बर ड्रिंगल नंबर एट वन टू थ्री एंड फोर सो आप देखो वन पे ओ माइनस क्रिएट होगा राइट क्योंकि जैसे ही वो अटैक किया वैसे यहाँ पे ओ माइनस और वन पे आके ये अटैच हो गया और अगर आप देखो तो वन से ही सी डबल बॉन्ड हो ओ एच अटैच है तो फाइनली क्या होगा इसका ट्रांसफर करा देंगे प्रोटॉन ट्रांसफर सो प्रोटॉन ट्रांसफर कराने के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू गेट वी विल गेट ओ एच एंड गेट सी इट इज ट्रेंड बट दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस लाइक दिस राइट क्योंकि हम ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रख रहे हैं फोर्सफुली ये रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं सो यस इट विल हैपन सो ये आपका प्रोडक्ट आएगा सो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो कि एक दूसरे से अप्लीकेशन एक दूसरे के जैसा अप्लीकेशन रखते हैं सो so, ये था बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन आई होप आप सबको समझ में आया होगा अगर आपको ये समझ में आ रहा है इससे आपको बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो लाइक दिस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और एक और ज़रूरी बात कि मैं अगले आने वाले वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा सारे जितने भी नेम्ड रिएक्शन हमने अभी तक बताए हैं जैसा एल्डॉल राइट right? उसके बाद मैंने आपको परकिन बताया उसके अलावा मैंने बेंजोइन बताया है बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन ठीक है नोवेंजल रिएक्शन रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन ये सारे चीज़ें भी आपका एक ही वीडियो में मैं कंपैरिजन करूंगा कि कैसे कैसे हम ध्यान देंगे और कैसे एग्जामिनेशन में हम पकड़ेंगे हालांकि ये सभी अलग अलग हैं आप थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा बट स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो लेट मी नो तो मैं एक कम्पेरेटिव वीडियो एक साथ बना देता हूँ सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग